Welcome back to my YouTube channel. This is me, Ikra. After a long time, I'm back. So actually, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने कॉलेज और मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी. आज मैं मतलब मेरी क्लास हॉस्पिटल में लगी तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना देती हूँ. और हॉस्पिटल थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था तो मैंने सोचा आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाऊंगी. और देखो ये, ओह कितना ख़राब वेदर है, बट कोई नहीं, ये बहुत अच्छा रहता है हमारे विंटर्स में. यहाँ पे पूरा स्नो रहता है, बट आजकल पता नहीं कि बारिश बिना मौसम के बरसात हो ही जा रही है. और ये कार दिख रही है, इसके आगे हमारा हॉस्पिटल है. सो चलो चलते हैं, मैं आपको हॉस्पिटल में मिलती हूँ. सो जैसे कि आप देख सकते हो, फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके नीचे से चले जाऊँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे वहाँ पे दिख गए थे. बट मुझे कीर्ति ने बोला कि गेट उधर से है तो उधर से जा, हम लोग चलते हैं. सो फिर मैंने अपना पूरा अच्छे से प्रॉपर रूट लिया और मैंने एंट्री की. ये हमारा प्यारा सा हॉस्पिटल है, देखो कितना प्यारा है. ये वाली बिल्डिंग में हमारी क्लास नहीं लग रही थी, यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क है क्योंकि ये पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल है. हम मिलते हैं जहाँ पे हमारी क्लास चल रही है, उस बिल्डिंग में हमारी क्लास है. ये बिस्किटी कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ये राइट. तब चलो हम चलते हैं. सो हम लोगों ने यहाँ से शू कवर लिया क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में हमें पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है. तो यहाँ पे टू ग्रीमेंट्स में हमें शू कवर मिल गया. और अब हम लोग, मैं इसको दिखाऊंगी क्योंकि मैं खुद तो पहन नहीं सकती हूँ. सो मैं, कोई आएगा पेशेंट तो मैं दिखाऊंगी कैसे शू कवर पहनते. ये हम लोग यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल पहली बार आए थे ना, इस हॉस्पिटल में पहली बार क्लास लगी थी तो हमने सोचा चलो अच्छे से देख लेते हैं कैसा है. अंदर तो अभी हम गए नहीं, हम टीचर का वेट कर रहे हैं यहाँ पे. और ये मेरे फ्रेंड्स है, तो देखो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि कोई आए और शू कवर पहने ताकि मैं वीडियो ले सकूँ. तो देखो ये अंकल शू कवर पहन रहे हैं, हम इसको इस तरीके से पहनते हैं और फिर अंदर क्लास में जाने लगे. ये हमारी क्लास बेसमेंट में है तो हम जा रहे क्लास में, मेरी क्लास है. और देखो कितनी ब्यूटीफुल टीचर है मेरी, ये हमें ऑलमोस्ट हम लोगों का लेक्चर फिनिश हो चुका है. इसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिकल्स के लिए जाना था. सो यहाँ पे हम लोगों ने, हमारी डॉक्टर ने बोला कि तुम लोग को इस बेबी को एग्जामिन करना है. तो हम बच्चे की पल्स और इसको ऑस्कल्टेट कर रहे थे. यहाँ पे एक्चुअली वीडियोस लेना अलाउड नहीं होता है, इसलिए जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट बेबीज आ रहे थे मैं जस्ट उन्हीं की वीडियो ले रही थी. मेरी क्लास ख़त्म हो गई और फिर हम लोगों की दूसरी क्लास के लिए हम लोगों को टाइम था. तो हमने सोचा तब तक के लिए चर्च चलते क्योंकि कीर्ति क्रिश्चियन है तो उसको चर्च जाना था. फिर मैंने सोचा मैंने भी कभी चर्च नहीं देखा तो मैं भी चर्च देखती हूँ और थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँगी कि यूक्रेन में कैसे चर्च होते हैं. चलो हम अंदर चल के चर्च दिखाएंगे आपको. सो यहाँ पे चर्च में हमारी गाइड पूरा गाइड करते हुए कि हम लोगों को कैसे यहाँ पे सब कुछ करना रहता है. Actually, we can take candles, we can buy from the church and we can put candle and wish good for that person. So, हम यहाँ पे next class के लिए आ चुके हैं दूसरे hospital में. सर्जिकल डिपार्टमेंट से मिलेगा. तो वी आर गोइंग फॉर द सर्जरी गाइस. After reaching there, our doctor is explaining the patient's history who came for surgery.
तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस हमें पता चला कि पेशेंट की फैमिली अलाउ नहीं कर रही है कि सर्जरी को तुम रिकॉर्ड कर सको, तो हमने सोचा कि बस इधर उधर के रूम की फोटो बना लेते हैं, और ये हमारा पता नहीं अपने दांत क्यों दिखा रहा था। फिर हम अंदर गए और ये पेशेंट का बेड रेडी है, पेशेंट आ रहा है, तो मैं अपने वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ। आफ्टर सर्जरी एंड क्लास वी आर गोइंग बैक टू आर होम, सो मैं यहाँ पे फाइनली अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलूंगी आपको। प्लीज़ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।